हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रेवी वाली शिमला मिर्च की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। पूरी रेसिपी देखने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आपके हर एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ग्रेवी वाली शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लगभग 250 ग्राम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी आपको लाइनिंग्स दिख रही है आप वहीं से शिमला मिर्च को कट करें ताकि इजीली हम इसके स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप कट कर सकें। ये देखिए, इस तरह से आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में शिमला मिर्च को कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी शिमला मिर्च को इस तरह से अच्छे से कट कर लिया है। अब हम प्याज को भी इसी तरह से कट करेंगे ताकि इससे प्याज की एक एक स्लाइस को निकालना बहुत ही इजीली हो जाए। आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, आपका प्याज बहुत अच्छे से कट कर आएगा। ये देखिए, इस तरह से एक एक स्लाइस इसकी अलग हो जाएगी और उसे निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। इस तरह से पहले आप इसे अलग अलग कर लें, बहुत ही इजीली हो जाएगा। उसके बाद आप जो इसके उल्टे सीधे आड़े टेढ़े जो शेप हैं उसको नाइफ की हेल्प से अच्छी तरह से कट कर लें और ये जो कट किए हुए प्याज के टुकड़े हैं इन्हें हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग कर ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस शेप में करना चाहें वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा प्याज, अगर आपके पास छोटे प्याज है तो दो ले लें, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च। इन सबको हम एक चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। आपके पास जो भी चॉपर मशीन है आप उसमें चॉप कर लें। पहले हम इन सारी सब्जियों को रफली कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च को इस तरह से रफली कट कर लिया है। अब फाइनली हम इसे चॉप कर लेंगे। बस आप इसका पेस्ट मत बनाइएगा मिक्सी में डालकर, हमें इसे चॉप ही करना है। ये देखिए, मैंने इन सबको चॉप कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम टमाटर को भी इसी तरह से रफली कट करके चॉप कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, उसके अंदर हम लेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही हमारा फ्रेश होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा दही नहीं होना चाहिए हमारा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है सूखा धनिया पाउडर। इसमें हम 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं दही के अंदर सूखा धनिया क्यों ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए ताकि आप जब दही को ग्रेवी में ऐड करें तब आपका दही ग्रेवी में जाकर फटे ना। ये देखिए, हमने सारी ग्रेवी की तैयारियां कर ली है, सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है, दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच ऑयल, इसे आप जो भी बोलते हो, ये छोटी 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल होगा। अब इस ऑयल के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये शिमला मिर्च और प्याज, जैसे कि हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में कट करके रखा था। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग शिमला मिर्च और प्याज इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे और मुश्किल से 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाना है हमें इसे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए, बस जैसे ही हल्की सी सॉफ्ट हो जाए हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और इस तरह से ऑयल को सेपरेट करते हुए इनको बाहर निकालना है। ये देखिए, अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे हमारे मसाले। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई, 1 तेज़पान का पत्ता, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। अब जैसे ही हमारा राई और जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए लहसुन प्याज और हरी मिर्च, और अब इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए बस तब तक इन्हें पकाना है, इन्हें ब्राउन कलर ना आने दे इसके ऊपर। अब हम इसमें ऐड करने वाले एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब बेसन डाला है, इससे हमारी ग्रेवी का टेक्स्चर काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी थिक हमारी ग्रेवी बनेगी। और इस ऑयल के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें बेसन को अच्छे से पका लेना है। जितना लो फ्लेम पर आप बेसन को पकाएंगे इससे इसका टेस्ट और टेक्स्चर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे हमारी ग्रेवी के। ये देखिए, जैसे ही हमारा बेसन पक जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसिक मसाले। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर,
आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस हमने अभी फ़िलहाल ये तीन ही मसाले ऐड किए हैं, क्योंकि आधी चम्मच नमक हम लोग पहले डाल चुके हैं शिमला मिर्च और प्याज को पकाते हुए। और रही बात सूखे धने की, वो हमने दही में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब हमने इस टाइम पर लाल मिर्च और हल्दी इसलिए डाली थी ताकि हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है। और ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर, और टमाटर डालते ही आप इसके साथ ही ऐड कर दें ये नमक, क्योंकि हमने उस टाइम पर सिर्फ आधा चम्मच ही नमक डाला था। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। अभी इन्हें सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर इसे 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है मसाले से सेपरेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपका मसाला जो है बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये सूखे धनिया वाला दही। अब दही ऐड करते हुए आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, क्योंकि दही बहुत जल्दी फट जाता है ग्रेवी में डालते से ही। लेकिन अब ये नहीं फटेगा क्योंकि हमने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है, लेकिन फिर भी आप गैस का फ्लेम लो ही रखें जब आप दही ऐड करें। दही डालने के बाद भी आप कढ़ाई की लिड लगाकर 4-5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने दें, जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट ना होने लगे, इससे कि हमारा दही भी बहुत अच्छे से इसके अंदर पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और जैसे हमारा ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाता है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये कसूरी मेथी। इस टाइम पे आप चाहे तो ये तेजपान का पत्ता भी आप निकाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 1 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद वापस इसका लिड लगाकर इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये देखिए जैसे हमारी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ जाता है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज। प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद आपको अब सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी शिमला मिर्च और प्याज को पकाया हुआ है। अब लिड लगाकर हम इसे 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है काफ़ी थिक हो गई है, इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, सब्जी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें फटाफट से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आपकी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि सब्जी खाने का मन ही नहीं करता, आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और सब लोग बड़े ही अच्छे से खाना खाएंगे। अब बहुत जल्द मिलूंगी आपसे इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।